ये इंटरव्यू शुरू होने से पहले हमारे आज के जो सेलिब्रिटी गेस्ट है मनु ऋषि चड्ढा, जी हाँ आपके चेहरे पर भी हंसी आ गई ना, दी एक्टर एंड राइटर मनु ऋषि चड्ढा, उनसे मैं पूछ रहा था कि उनकी स्पेलिंग, सरनेम की स्पेलिंग कैसी है, CHADDHA या CHADHA। तो वो मुझे समझाने लगे कि उनकी स्पेलिंग DHA एंड DHA जो होती है वो यहां के रहने वाले होते हैं, सिंगल DHA वाले यहां के रहने वाले होते हैं। मुझे कोई बात समझ में नहीं आई, मुझे समझ में आया तो इतना कि सिंगल DHA वाले बहुत ही बेहतरीन एक्टर होते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज वेलकम मनु ऋषि चड्ढा विद अ सिंगल डी, द वेरी फाइन एक्टर एंड द वेरी फाइन राइटर। मनु जी वेलकम टू ETC बॉलीवुड बिजनेस। मुझे सचमुच समझ में नहीं आया आपने क्या बोला, बस इतना समझ में आया कि सिंगल DHA वाले एक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं। एक्टिंग कहां से सीखी आपने? एक्टिंग पहला तो ख्याल आया कि मुझे एक्टिंग करना चाहिए, तो फिर उसके लिए ये कब ख्याल आया, कितने छोटे थे? स्कूल में स्टेज पर मैं अक्सर रहता ही था हमेशा, मतलब बचपन से शौक था। करेक्ट। तो माँ भी काफी रंगमंच के साथ जुड़ी रही थी, दरभंगा बिहार में उन्होंने काफी थिएटर किया। मेरे एक मामा है जो FTI से। अच्छा, तो मतलब ब्लड में है थोड़ा, मैं कहूंगा कि हाँ मैटरनल साइड से मेरे ब्लड में है। तो फिर एक दिन उसको कैसे किया जाए, तो इसके लिए मुझे एक गुरु चाहिए था। तो सब लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि एक अरविंद गौड़ नाम के की पर्सनैलिटी है जो थिएटर सिखाती भी हैं दिल्ली, और बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली में। तो मैं उनके साथ जुड़ गया और बैक स्टेज की एक प्रोसेस से ऑन स्टेज आने तक का पूरा मामला रहा। और फिर बम्बई आने की कैसे सोची आपने? बॉम्बे आने की यही एक 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 नई किस्म की एक्टिंग सिनेमा में जो होती है उसके लिए बॉम्बे आना जरूरी भी है। तो सिनेमा बफ आप हमेशा थे? सिनेमा बफ मैं हमेशा से था, लेकिन थिएटर की रियलिटी से जुड़ने के बाद सिनेमा को एक अच्छी नजर से देखने का जो जो मामला सुधरा उसमें मैं कहूंगा कि हाँ मैं बफ से ज्यादा फिर सिनेमा प्रेमी हो गया, कि एक्टर का सिनेमा में एक नए तरीके से इस्तेमाल होता है, और अगर आप अच्छा करते हैं तो आपको ज्यादा ख्याति मिलती है, ज्यादा लोग मिलते हैं, ज्यादा ऑडियंस मिलती है। तो ये एक मेरा माने हुआ सिनेमा की। और फिर बॉम्बे पहुंचने के बाद बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए कि स्ट्रगल करनी पड़ी? काश खुद ब खुद, हंसी समझा रही है, काश खुद ब खुद खुल जाते। मतलब मैं यही कहूंगा कि शुरू में तो यहाँ समझ ही नहीं आया कि ये है क्या, जगह क्या है ये, यहाँ कैसे लोगों को अप्रोच करें, कैसे मिले उनसे, और तस्वीर देने के बाद भी कितना कितना काम मिल सकता है आपको, इसकी भी उम्मीद नहीं होती थी कुछ भी। तो मुझे लगा कि यहाँ इतना आसान नहीं है, और जिन लोगों को काम मिल रहा है उन लोगों को क्यों मिल रहा है, उसके पीछे जो भी रीजन है, तो वो क्यों का जवाब आपको पहले ढूंढना पड़ेगा कि आपको क्यों मिले काम, आप क्या हैं। वो बनाने के लिए आपको एकदम नए सिरे से एकदम जीरो से दोबारा शुरू करना। तो ये ह्यूमिलिएटिंग प्रोसेस था, ह्यूमिलिएशन एज एन एक्टर, जब मुझे काम नहीं मिलता था तो मुझे लगता था कि मैं उस कैरेक्टर में फिट नहीं हूं एज अ कैरेक्टर, लेकिन जब काम मिलता था और बहुत सी वजहों से उसको मेरे रोल को हटा दिया जाता था या काट दिया जाता था से भी ये कहूंगा कि शूटिंग से कुछ 10 दिन पहले भी कुछ ऐसे हादसे हुए हैं कि आप नहीं कर रहे हैं कोई और कर रहा है टाइप्स, या आपका चेहरा जो है वो किसी, मैं टेलीविजन के लिए भी उस समय कोशिश कर रहा था मैं टेलीविजन के लिए कि आपका बहुत अच्छा है, ऑडिशन बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा, पर कहीं चैनल में कोई है कोई लड़की है या कोई लड़का है जिसको आपका चेहरा नहीं पसंद आया, क्योंकि आप हमारे पारिवारिक जो सीरियल्स हैं कहानियां जो हैं उनके परिवार के नहीं लगते हैं, आप कुछ और ही लगते हैं। तो ये एक अजीब सा ऐसा कुछ ह्यूमिलेशन होता था, एंड जिन लोगों के साथ काम करते थे तो शायद कभी कभी लगता था कि यार ये जो काम हमें मिल रहा है इसे हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम कभी कभी एक दिन के लिए भी जाते थे काम करने के लिए, एक पर डे का जो फिगर होता है जिसमें थोड़ा और ऐड किया जाए, थोड़ा और पर डे ऐड किया जाए तो एक रेंट निकलता है आपका, थोड़ा और पर डे ऐड किया जाए घर का रेंट, हाँ घर का रेंट, थोड़ा और पर डे ऐड किया जाए तो फिर हम पर डे एक्टर जब बन जाते हैं, खासतौर टेलीविजन में जहाँ कुछ भी समझ नहीं आता है, तो वो चीजें ज्यादा ह्यूमिलेशन वाली थी। वेटिंग वॉज नॉट अ ह्यूमिलेशन फॉर मी, कि मुझे कोई काम नहीं दे रहा है, बहुत अच्छा काम दे रहा है लेकिन वो प्रोसेस में बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से बिहेव कर रहा है या, तो वो ज्यादा ह्यूमिलेटिंग होता था। तो इस ह्यूमिलिएशन को पार करने के लिए कोई बॉम्बे में सपोर्ट सिस्टम था? बहुत ही मेजर सपोर्ट सिस्टम मिला मेरे को। सबसे पहले तो रजत कपूर से जब मैं मिला तो उन्होंने मुझे एक ही चीज समझाई कि आप इज्जत से थिएटर करो ना, और थोड़ा पैसा मिलता है तो थोड़े कम खर्चे रखो अपने, और तुम मेरी हेल्प करो और मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं।
और वो हेल्प थी सिर्फ थिएटर के रास्ते पर, तो मैं उनके साथ जुड़ गया। उनके सी फॉर क्लाउंस करके एक नाटक उन्होंने डायरेक्ट किया, उसमें जो जुड़ा तो मैं आज तक भी उनके साथ ही हूँ। और जब वो शुरुआत हुई उसकी तो शायद 500 रुपया एक शो का मिलता था, बाद में हमें 3-3 हज़ार रुपये एक शो के भी मिलने लगे। तो जैसे जैसे वो शो हिट होता रहा वैसे वैसे मैं अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर पाया। तो रजत कपूर को कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि हाँ, एक एक स्टेबिलिटी जो मेरे को मिली, जो मेरे को मानसिक संतुलन जो एक्टर का वेटिंग 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 में घिर जाता है, वो कहीं ना कहीं आई गॉट दिस मैन इन माय लाइफ। मनु मुझे ये बताइए, जब ब्रेक मिला आपको, मेरे ख्याल से पहली फिल्म आपने जो की वो साथिया थी। साथिया नहीं, मेरी पहली फिल्म रघु रोमियो थी, रजत कपूर की। अच्छा। तो उसमें मेरा मेरे साथ ये था कि मेरा थिएटर का डायरेक्टर एक फिल्म बना रहा है, चलो सब काम करते। सो इट वाज अ केक वॉक काइंड ऑफ थिंग। बट हाँ, मैं ये कहूंगा कि साथिया में मुझे 3-4 सीन्स वाला एक कैरेक्टर मिला, ये डॉक्टर है, ये है, वो है। तो वो जब कुछ राय, और यशराज की फिल्म, मतलब मणिरत्नम के असिस्टेंट शाद अली डायरेक्ट कर रहे हैं, यशराज इज एसोसिएटेड विद द फिल्म, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स वो हैं, पर तो मुझे बहुत बड़ा ब्रेक था। उस फिल्म से भी मुझे इतनी उम्मीद थी कि इसमें मैं जो भी 3-4 सीन्स जो मैं कर रहा हूँ और उसमें मुझे लोग देखेंगे, और जब मुझे देखेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ, ये इस लेवल पे भी एक्टिंग कर सकता है। लेकिन कुछ भी नहीं रह जाता है जब अपनी अपनी एक डायरेक्टर की कुछ लिमिटेशन होती है, कुछ ड्यूरेशन होता है, क्या होता है पता नहीं, वो कुछ गया। लेकिन उसके बाद तो आप थे मगर थे नहीं। मैं था ही नहीं, मैं तो अब ये कहता हूँ कि था ही नहीं, पर विकिपीडिया वगैरह में लोग कहते हैं मेरी पहली फिल्म साथिया है, तो मैं बोल देता हूँ कि हाँ। तो क्या रोल था आपका? कुछ नहीं, एक डॉक्टर का रोल था। रानी मुखर्जी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो आती हैं वहाँ पर, कुछ स्ट्राइक है, हम लोग जाते हैं वहाँ पर, और जैसा मुझे बताया गया था कास्टिंग डायरेक्टर ने कि वहाँ स्ट्राइक में कोई काम नहीं कर रहा है डॉक्टर, एक डॉक्टर आगे बढ़कर आता है, कहता नहीं जो कि आप हैं, जो मैं हूँ, और आगे बढ़कर आता है वो। तो जो साउथ इंडियन जो था, तमिल वर्जन था, उसमें नहीं था वो। वो आगे बढ़कर आता है और वो बोलता है कि नहीं, मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, स्ट्राइक होगी लेकिन मैं इनका इलाज करूंगा टाइप से। एंड शाहरुख हैज टू कम इन बिकॉज शाहरुख की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, कुछ ऐसा कुछ था। लेकिन वो एक साइड, वो इमोशन ही निकला। बट मैंने एक इंजेक्शन लगाया रानी मुखर्जी को जाकर, जिससे रानी मुखर्जी फिल्म में बच गई। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। बहुत बड़ा रोल प्ले किया, अभी मेरे को लगा कि हाँ, बहुत बड़ा रोल बोलते वक्त या उनकी एक लंबी सांस होती है ऐसे, और फिर मुझे भाग के आना होता है। एंड फन वाज कि वो है स्लो मोशन में आता हूँ भागता हुआ, जो हर एक एक्टर का एक सपना होता है कि स्लो मोशन में कुछ करते हुए मारे। तो मैं आता हूँ, इंजेक्शन उठाता हूँ और वहां बढ़ता हूँ, कट होता है, फिर कोई और कट था मुझे ध्यान नहीं, लेकिन उसके बाद रानी मुखर्जी ठीक हो जाती है। तो इस गलती से क्या सीखे आप? कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, स्क्रिप्ट पढ़ेंगे और डायरेक्टर की आंख में आंख डाल के बिना पूछे उससे पूछ लेंगे कि बॉस, ये हाल तो नहीं करोगे। एंड ये अलग अग डायरेक्टर के साथ अलग अलग तरीके से खेला, जैसे कि समझ आ जाता है कि अब नरेट हो रहा है कुछ, तो हम उसमें क्या है। और जैसे मैं ये सुभाष कपूर की बात कहूँ, फंस गए रहे ओबामा के, तो सुभाष कपूर ने मुझे कॉल किया, जो मेरी जिंदगी में पहली बार ये घटना घटी कि यार मनु, मैंने एक फिल्म देखी थी तुम्हारी, ओए लकी लकी ओए, और उस बंगाली को सोचकर मैंने तुम्हारा एक कैरेक्टर लिखा, जो बंगाली नहीं है लेकिन मैंने तुमको ही सोच के लिखा है। वाओ। और मुझे वो बोल रहे हैं, आप वाओ कर रहे हैं, मेरा तो सब कुछ ही गायब हो गया। मैंने कहा ये तो आदमी झूठ बोल रहा है, ऐसा थोड़ा ना होता है यार, हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता। एंड वो आए, उन्होंने कुछ 1 घंटा और 10 मिनट में पूरी टाइट इंटरेस्टिंग नरेशन दी, जिसमें एक एक सुंदर कट्टू से, कैरेक्टर के विजुअल से, एक एक चीज उन्होंने दिखा दी। और उसके बाद मुझे बुखार चढ़ गया सर, इनसिक्योरिटी का। मैंने कहा ये रोल ना, ये ऐसी मुझे सुना के चला गया है, अभी कोई बड़ा एक्टर आएगा और मुझे ये रोल मिलेगा ही नहीं किसी हालत में। इट वॉज टू गुड टू बी ट्रू। करेक्ट। एंड दैट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्रोसेस, यू नो, आई वेटेड फॉर लाइक 7.5 years, इवन आफ्टर वे लकी हुए, करेक्ट, नथिंग ग्रेट हैपेंड इन माय लाइफ, दो आई हैव डन लाइक 2 films, वन इज टीना की चाबी with a guy called Amit Saxena, who directed Jism long time back. Correct. And one film is directed by Sharad Kataria, who wrote Bheja Fry. And this is what like Sunil Doshi production. Which is like, he has made this film based on Shakespeare's Midsummer Night Dreams. So then what happened? वो दोनों film अब वो market है, बन गई हैं, बहुत सुंदर film बनी हैं। और जितने भी हम लोगों ने देखी, हम लोग शायद 22 होके देखते हैं, लेकिन लोगों ने भी देखी और कहा अच्छी फिल्म है। अब देखिए उसकी क्या किस्मत होती है आगे, कैसे रिलीज होती है, ये तो एक अलग ही टेक्निक और अलग ही साइंस है ना वो तो।